श्रीराम की नगरी अयोध्या में अवैध जमीन के कारोबारियों समेत कई आला अधिकारियों का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जमीन की अवैध प्लॉटिंग करने वालों का पर्दाफाश करते हुए 40 प्रॉपर्टी डीलर्स की लिस्ट निकाली है। इसमें अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जैसे रसूखदार लोगों के नाम भी शामिल हैं। इसके बाद से सूबे में हड़कंप समझ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने फैजाबाद इलाके को नदी का तराई इलाका मानते हुए डूब क्षेत्र घोषित किया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए मकानों को गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, लिहाजा जांच पड़ताल शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि जिन लोगों ने इस इलाके में मकान बनाए हैं उन्होंने जमीन के बेनामे से लेकर सरकारी महकमे के जरिए सभी कागजी कार्यवाही पूरी की और यहां तक कि नगर निगम से मकान नंबर भी आवंटित करा लिया था। आरोप तो ये भी है कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने प्राधिकरण से न तो लेआउट पास कराया न ही प्राधिकरण इसे देखने तक आया। माना जा रहा है कि ये सब खेल प्राधिकरण के अधीन क्षेत्र में हुआ है। मालूम हो कि राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से ही जमीन पर अवैध कब्जे और अवैध प्लॉटिंग का खेल तेज हो गया था। इस पर फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने सप्ताह भर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप भी लगाया था। पत्र में लिखा था, अयोध्या जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीन की प्लॉटिंग की है और लोगों को बेचा है। इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच की जाए। वहीं अब इस पूरे विवाद को विपक्ष ने भी लपकते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमलावर रुख अख्तियार कर कहा, हमने पहले भी कहा और फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। वहीं सपा के नेता सुनील साजन ने भी यूपी की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, अयोध्या में जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी के ही सांसद पत्र लिख रहे हैं, अयोध्या में किसकी शह पर अयोध्या में भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पंचम तल पर बैठे अधिकारियों के ये नहीं हो सकता। उधर कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। इन भाजपाई भूमाफियाओं ने भगवान श्री राम की पावन भूमि को भी नहीं छोड़ा। अब ऐसे में देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि अब योगी सरकार इस विवाद पर क्या एक्शन लेती है।